उसका नाम सुशांत मार्केट में जाके वहाँ पे कौन से फल कम में मिलते हैं वो खरीद कर वो बेचा करता था। एक बार उसे मार्केट में ज्यादा पाइनएप्पल दिखाई दिए, हमेशा के जैसा उसे खरीद के बेचने लगा। हाँ आइए बाबू आइए, ऑस्ट्रेलियन पाइनएप्पल, वाशिंगटन पाइनएप्पल, अमेरिकन पाइनएप्पल कहकर चिल्ला रहा था। खरीदने के लिए जो भी आए, क्या है जी ये सच में ऑस्ट्रेलियन पाइनएप्पल है? हाँ जी ऑस्ट्रेलियन है, टेस्ट जबरदस्त है। वैसे बहुत लोग जाके खरीदने लगे। घर पे सुशांत अपनी पत्नी से, कावेरी ये ले आज का पैसा कहकर दिया। क्यों जी एक दिन में इतने सारे पैसे कैसे आए? पाइनएप्पल के डिमांड बहुत ज्यादा है। भगवान की कृपा से हमारा व्यापार ऐसा ही चलता रहे कहकर चली गई। अगले दिन सेतु नाम के डाकू मार्केट में आके, देखिए मेरा नाम तो सुने होंगे, मेरा नाम सेतु है। अभी तक मैंने कितनी चोरियां और कितने सारे खून किया मुझे ही नहीं पता। मुझसे अगर तुम लोग पंगा नहीं लेना चाहते तो चुपचाप मुझे रोज का मामूली दे दो तो तुम लोग जिंदा बचोगे। मार्केट में रहे सभी लोग उससे डर के उसे मामूली देने के लिए तैयार हो गए। उस दिन शाम को सुशांत घर के पास आके, कावेरी ये लो आज का पैसा कहकर दिया। ये क्या है जी, कल तो ज्यादा आया था आज बहुत कम है। तो सुशांत घटी सारी बातें उसे बताया। पैसे गए तो गए, लेकिन आप उन चोरों के मुंह मत लड़िए। सुशांत का बेटा तब आके, डैडी कहाँ है मेरा फेवरेट पाइनएप्पल? ये ले बेटा ले कहकर उसे पाइनएप्पल दिया। अगले दिन डाकू आकर, ओए अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, उसकी शादी में आपका महीने भर का पाइनएप्पल लोड पूरा का पूरा हमें ही देना होगा। शादी में आए सभी को हम पाइनएप्पल जूस पिलाएंगे। ये अन्याय है, मैं नहीं दूंगा। तो डाकू अपने पैर से उसे एक लात मारा, तब वो जाके दूर गिरा। नहीं दिए तो तुम सबका भी यही हाल होगा, मेरे बारे में तो जानते हो ना। तो मार्केट में रहे सारे व्यापारी हाँ बोलकर ट्रैक्टर में सारे पाइनएप्पल चढ़ाकर डाकू रहे स्थावर में पहुंचाए। उस दिन शाम को सुशांत जब घर पे पहुंचा तो कावेरी, क्या है जी इतना उदास क्यों लग रहे हैं? तब घटी सारी बातें बताया। सुशांत का बेटा आकर, पापा कहाँ है मेरा फेवरेट पाइनएप्पल? सॉरी बेटा लेकर नहीं आ पाया। वैसे सुशांत का व्यापार दिन ब दिन घटता जा रहा था और उसे पैसों की तंगी भी होने लगी। कावेरी एक बार, ओ जी घर पे दाना तक नहीं है, बच्चे ने भी कुछ खाया नहीं है। ठीक है मैं मार्केट जाके पाइनएप्पल्स लेकर आऊंगा। तो मार्केट में जाकर चुपचाप वो एक पाइनएप्पल लिया। बाप रे कम से कम एक तो मिला, ये बोले तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है कहकर गया। रास्ते में वैसे जाते वक्त एक बूढ़ी औरत को बेहोश गिरा वो देखा, तो सुशांत उन्हें पानी पिलाया। भूख भूख, सुशांत को कुछ समझ ना आकर उसके पास रहा एक पाइनएप्पल को काट कर दादी को खिलाया। दादी पूरा का पूरा खा लिया। बेटा मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं, फिर भी तुमने तुम्हारे पास रहा एक पाइनएप्पल दे दिया, ये लो ये पाइनएप्पल बीज लेकर जाओ और तुम्हारे घर के सामने बो देना, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा कहकर चली गई। सुशांत तब घर पे आके बी बोया। अगले दिन वो बी एक बड़ा पाइनएप्पल में पलट गया। गांव वाले सभी उस अद्भुत पाइनएप्पल को देखने के लिए आने लगे। देखिए अब से हम हमारा व्यापार फिर से शुरू करेंगे, वो डाकू अगर आएगा तो इस पाइनएप्पल में से जितना चाहे उतना जूस उसे दे देंगे। सबको वो आइडिया अच्छा लगा और वो सब डाकू के पास गए। वहाँ पे सुशांत, डाकू साहब आपके बेटे की शादी के लिए आपको जितना चाहिए हम उतना पाइनएप्पल जूस देंगे, पर हमें हमारा धंधा ठीक से शुरू करने के लिए अनुमति दीजिए। तो डाकू थोड़ा सोचने के बाद, वैसा क्या तो ठीक है। वैसे वो डाकू गैंग आके उस पाइनएप्पल में आए
जूस को ड्रम्स में भर के लेकर जाने लगे। फिर से उस गांव के लोग पाइनएप्पल बिजनेस करना शुरू किए। सुशांत को फिर से हमेशा के जैसा मुनाफा आने लगा। सुशांत कावेरी हमेशा के जैसा खुशी खुशी रहने लगे। उसका नाम सुप्रिया है। एक बार सुप्रिया के घर पर उसकी पत्नी, ओ जी कब तक यूं खाली बैठोगे, कुछ तो नौकरी या कामकाज कर सकते हो ना। नौकरी तो मुश्किल है, पर व्यापार करने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्या व्यापार करूँ समझ नहीं आ रहा है। यूं घर पर बैठे रहोगे तो आइडिया कैसे आएगा जी, कभी खेत में या बाहर घूमने जाओगे तभी तो विचार आएगा ना। सुप्रिया उस शाम खेत में चल रहा था तो देखा कि कुछ किसान वहाँ दुखी बैठे हुए थे। सुप्रिया वहाँ जाकर, क्या हुआ जी, क्या है आपकी समस्या? क्या बताऊं बाबू, फसल हाथ में आई उससे हम बोरी में भी भर दिए, लेकिन उससे शहर भेजने के लिए लॉरी ड्राइवर्स आ ही नहीं रहे। जितना भी उनको बुलाए, अभी आएंगे कह रहे, लेकिन आते ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है बाबू। एक बस्ते का कितना देते हैं उन्हें? एक बस्ते का 50 रुपए देते हैं। तुरंत सुप्रिया को एक उपाय सूझा। वो घर जाकर अपने पत्नी को आइडिया सुनाया। पत्नी को आइडिया बहुत पसंद आ जाने से उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा। अगले दिन सुप्रिया वो ट्रैक्टर लेकर किसानों के पास गया। अब से आप लोगों को उन लॉरी वालों का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लोड मेरे ट्रैक्टर में भर दीजिए, मैं शहर तक पहुंचा दूंगा। उन्हें जितना पैसे दे रहे थे उतना ही दीजिए। किसान खुश होकर अपना लोड को ट्रैक्टर में चढ़ाकर उसे पैसे दिए। इस तरह सुप्रिया फसल को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। कुछ ही समय में बहुत सारे पैसे कमा लिए। एक दिन पत्नी, ओ जी अब तो हम अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, तो एक और ट्रैक्टर खरीद कर कुछ ज्यादा पैसे कमा लीजिए। सुप्रिया अगले दिन किसानों के पास जब लोड चढ़ाने जा रहा था तो रास्ते पर, हाँ मैं ट्रैक्टर खरीद कर किसी और को तंखवा देने से अच्छा मैं ही क्यों ना डबल लोड चढ़ाकर ज्यादा पैसे कमा लूँ, तब तो सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे ना, सोचा और अपना ट्रैक्टर का कंपार्टमेंट का साइज बढ़ाया। फिर सुप्रिया किसान के पास जाकर, देखिए अब से आप 2 गुना ज्यादा लोड मेरे ट्रैक्टर में चढ़ा सकते हैं, एक ही बार मैं पूरा लोड ले जाऊंगा। सही है, लेकिन ये ट्रैक्टर इतना लोड खींच पाएगा क्या? ये डबल हॉर्स पावर का इंजन है चाचा जी, कुछ भी खींच लेगा, आप बेफिकर होकर चढ़ाइए। तब सारे किसानों ने अपना लोड को उस ट्रैक्टर में चढ़ाया। ट्रैक्टर को तब फुल रेस करने के बाद, शुरू में थोड़ी सी मुश्किलों के बाद आखिरकार ट्रैक्टर ने एकदम से लोड को खींच लिया। उस दिन 2 गुना ज्यादा पैसे मिलने के बाद सुप्रिया, 2 गुना का 3 गुना ज्यादा पैसे आने चाहिए, यूं सोचकर कंपार्टमेंट का साइज और ज्यादा फैला दिया। अगले दिन किसानों के पास आकर, इस बार 3 गुना ज्यादा डालिए। रे दिन ब दिन तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है, इतना लोड तुम्हारा ट्रैक्टर खींच नहीं पाएगा रे। दादाजी आप डालिए, वो सब मैं देख लूंगा ना। 3 गुना लोड डालने के बाद सुप्रिया ट्रैक्टर को फुल एक्सेलरेट किया। बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करने के बाद भी जब शुरू नहीं हुई तब और जोर से एक्सेलरेट करने लगा। तब एकदम से ट्रैक्टर के आगे के 2 पहिए हवा में ऊपर उड़ गए। सुप्रिया एकदम से हाय राम कहते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। हाय राम कमर टूट गई रे, चिल्लाने लगा। किसान ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में पत्नी, ओ जी आपने ऐसा काम क्यों किया, मैंने तो कहा था ना कि दूसरा ट्रैक्टर खरीदिए। हाँ सही है, लालच में आकर जो भी कमाया था उसे भी खो दिया है, अब जाकर अकल आई है। वो बुंदेलखंड नाम का गांव है। उस गांव में कई किसान केलों के पेड़ उगाते थे। यहाँ उगने वाले केले देश विदेश निर्यात करते थे, लेकिन वहाँ के मध्यवर्ती लोग किसान को उनका बहुत कम दाम देकर शहर में बहुत मुनाफे में केलों को बेचते थे। एक बार वो सारे किसान इकट्ठा हुए,
भूपति नाम का एक किसान। देखिए इस साल हम सबको खेत में अच्छा फसल मिला, पिछले साल से इस साल फसल दो गुना ज्यादा मिला है, इसलिए हम सब इन मध्यवर्ती लोगों को एक ही दाम पर केले बेचेंगे। हर बार उनके कहे दाम पर ही क्यों बेचें? हमारे तय किए गए दाम पर ही बेचना चाहिए। जिस दाम पर हम बात करेंगे उनसे उसी दाम पर खरीदना होगा। हाँ हाँ, बोलने लगे। अगले दिन जब मध्यवर्ती लोग आए, देखिए इतने समय हम आपके कहे दाम पर ही केलों को दिए हैं, अब से आपको हमारे तय किए गए रेट पर ही लेना होगा। उन लोगों में से एक, क्यों रे नए नए चीज बोल रहे हो, क्यों अंबानी बनना चाहते हो या बिरला? हम नहीं तो तुम लोग कहाँ बेच पाओगे? चुपचाप हम जो दाम कह रहे हैं उसी दाम पर बेचो। माफ कीजिए, हम आपके कहे दाम पर बेच नहीं सकते। हाँ तो यहाँ कहा, आप तुम लोग केले कहीं नहीं बेच पाओगे, देख लेना, कहकर चले गए। बुंदेलखंड के किसान बहुत कोशिश करने के बावजूद कहीं पर भी जाते उनसे केले खरीदने कोई तैयार नहीं होता था। वे लोग लाचार होकर जमींदार के पास जाकर जो हुआ सब बताए। जो हल चलाता है उसी की जमीन है, किसान का ये हक है कि फसल का सही दाम तय करे और उसी दाम पर फसल को बेचे। ठीक है, एक काम कीजिए, वो सारे केले मेरे स्विमिंग पूल में लाकर डालिए। सब वो स्विमिंग पूल में केले डाले। जमींदार तब एक कैमरामैन को बुलाकर, रे मैं और मेरे किसान इस स्विमिंग पूल में खेलते रहेंगे, तुम वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड करो। इस तरह जमींदार और कुछ किसान स्विमिंग पूल में उतरकर खेलने कूदने लगे। वो कैमरामैन उस वीडियो को निकालकर इंटरनेट पर डाला। बस उस वीडियो को फिर कई लोगों ने देखा। एक न्यूज चैनल पर एक रिपोर्टर, पहले ही इतनी खाने की तंगी है लेकिन इस गांव के लोग केलों से स्विमिंग पूल बनाकर ऐसे कैसे खेल सकते हैं? आखिर वो गांव वाले ऐसे क्यों करेंगे? यहाँ हमारे गांव में तो केले मिलते तक नहीं है और वहाँ वे लोग उन पर खेल रहे हैं? क्यों? रिपोर्टर ने सवाल किया। ये हर न्यूज चैनल पर फैलने से न्यूज वाले मीडिया वाले सब वो गांव पहुंच गए वहाँ जमींदार से। क्यों जी, पूरे देश में खाने की कमी है तो आप यूं केलों को स्विमिंग पूल में डालकर ऐसे करना अन्याय नहीं है? क्या करें, मेहनत से उगाए इन केलों को हम अगर सही दाम पर ही बेचना चाहे लेकिन ये दलाल लोग ऐसे नहीं होने देते तो हम क्या करें? समझ नहीं आता कि हम इन केलों को बेचने के लिए आगे क्या कदम उठाए, इसलिए यूं खेल रहे हैं। ये सब देखते हुए तुरंत उस गांव के एमएलए पार्टी वाले आकर, आपके साथ जो हुआ उसे जानकर बहुत दुख हुआ है, अब से किसान का कहा ही चलेगा, अब से वे खुद ही हमारे गवर्नमेंट वेयर हाउस के पास केलों को ठीक दाम पर बेच सकते हैं, दलाल लोग बीच में नहीं रहेंगे। तब सारे किसान ने खुशी से तालियां मारी।